गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 22 सितंबर और आज के इस सेशन में 22 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो क्लास को आप सभी एक बार शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की अध्यक्षता। भारत नेपाल के बीच काली नदी पर 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। संयुक्त अरब अमीरात नवंबर में पहला चंद्र रोवर रासित करेगा लॉन्च। सिक्किम में मनाया गया पांगलाव सोल फेस्टिवल। 22 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व राइनो डे। बांग्लादेश ने पहली बार जीती सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। आसमानिया तैराक अलविस अली हजारिका उत्तर पूर्व से उत्तर चैनल पार करने वाले बने पहले व्यक्ति। भारत 2023 में करेगा पहली मोटो ग्रैंड प्री रेस की मेजबानी। नाइजीरिया में तेजी से फैल रहा है लसा बुखार। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में हुआ निधन। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम दा हैसी बे पोर्टल किया लॉन्च। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्किट भेड़िए की सफलता पूर्वक क्लोन बना लिया है? तो ये चाइना के द्वारा बनाया गया है और क्लोन का नाम रखा गया है फ्रेंड्स माया। किसने अपना पहला डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? बेंगलोर ने किसे हरा कर जीता है? तो मुंबई को हरा कर ये खिताब बेंगलोर ने जीत लिया है। खबरों में रहा छेलो सो क्या है? तो ये गुजराती फिल्म है जिसे भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए प्रविष्ट किया गया है। खबरों में रहे उमा ओवान फ्रेडी सामनहा आसा सिबली सेसा सासा क्या है? तो ये नामीबिया से जो भारत चीते लाए गए हैं उनके नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में निदेशकों के पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? कुल 8। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एथलेट प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? झारखंड पहले पर है, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? INS अजय को। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को के क्षेत्र में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है दक्षिणी कमान में। संयुक्त अभ्यास 122 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ये भारतीय तटरक्षक बल और अमेरिका तटरक्षक बल के बीच आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड ने धाराचूला क्षेत्र के मल्ला छाड़छुम में भारत नेपाल राष्ट्र के बीच किस नदी पर बन रहे सेतु का शिलान्यास किया है? तो फ्रेंड्स ये जो पुल है, ये जो सेतु है, ये बनाया जा रहा है काली नदी पर। फ्रेंड्स काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। काली नदी को महाकाली नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे काला पानी नामक स्थान है, काला पानी नामक स्थान से ये नदी निकलती है काली नदी। आगे जाकर जब ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जाती है तो इसे शारदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो शारदा के नाम से इसे जाना जाता है। फ्रेंड्स इसी पर सेतु का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अन्य ऑप्शंस की ओर। कोसी नदी जिसे बिहार का सोख कहा जाता है कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है और गंगा में विलीन हो जाती है, गंगा में विलीन हो जाती है जिसे बिहार का सोख कहा जाता है।
फैक्ट फाल्गु नदी से रिलेट करेंगे, फाल्गु नदी पर बिहार में एक सेतु बनाया गया है, रबड़ का डैम बनाया गया है फ्रेंड्स, रबड़ डैम, भारत का पहला रबड़ डैम। भारत का सबसे बड़ा जो रबड़ डैम बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है, फाल्गु नदी पर, ठीक है। और इस डैम का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है गयाजी डैम, याद रखेंगे क्या नाम रखा गया है, गयाजी डैम, ठीक है। चिनाब नदी से रिलेट करेंगे कि जो रेलवे का पुल है, रेलवे पुल सबसे ऊंचा कहां बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर बन रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, तो पुल आप देख सकते हैं उत्तराखंड में, यहाँ उत्तराखंड और नेपाल, ठीक है, जिससे क्या होगा, दोनों देशों यानी कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो काली नदी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा नेपाल। फ्रेंड्स पहला पॉइंट याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, और काठमांडू में ही किसका हेडक्वार्टर है, तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स रोज सुबह 9 बजे याद रखेंगे, रोज सुबह 9 बजे जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लास रहती है, लाइव क्लास होती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाया जाता है इस क्लास के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मोटो ग्रांड प्री विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन करेगा। तो फ्रेंड्स मोटो ग्रांड प्री विश्व चैंपियन रेस की जो मेजबानी है 2023 में करेगा भारत, कौन करेगा फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे भारत के द्वारा की जाएगी, और आयोजन कहां पर होगा, तो ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली बार मोटो ग्रांड प्री विश्व चैंपियन रेस की मेजबानी की जाएगी ग्रेटर नोएडा के द्वारा, ठीक। फ्रेंड्स इसे नाम क्या दिया गया है, तो ग्रांड प्री ऑफ भारत इसे नाम दिया गया है, 19 देशों के प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे भारत में पर्यटन व्यापार और रोजगार बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है फ्रेंड, तो गुजरात करेगा, कौन करेगा, गुजरात करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। 2023 पुरुष हॉकी कहाँ होंगे विश्व कप, तो ये भारत में ही होंगे, भारत में कहाँ पर, तो उड़ीसा में इनका आयोजन किया जाएगा। 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की जो मेजबानी की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी फ्रेंड्स, तो भारत के द्वारा ही की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पांग हाल्वो सोल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस त्योहार का आयोजन किया जाता है सिक्किम में, कहाँ पर मनाते हैं इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को, तो सिक्किम में मनाया जाता है फ्रेंड्स। यह फेस्टिवल कंचनजंगा पर्वत को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार में पर्वत देवता ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए इस फेस्टिवल को सिक्किम में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फ्रेंड्स कंचनजंगा कहाँ पर है, तो याद रखेंगे सिक्किम में है। नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को में शामिल भारत की मिश्रित धरोहर एकमात्र कौन सी है, तो कंचनजंगा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ एस्ट्रा फेस्टिवल हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोसार कहाँ मनाते हैं, लद्दाख में। सुरोई लिली मनाते हैं मणिपुर में। हॉर्नबिल मनाते हैं नागालैंड में। सरहुल मनाते हैं आपका झारखंड में। और त्रिशूर पूरम त्योहार मनाया जाता है केरल में, ठीक है।
अब आप लोग बताइए कि मकर बिलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स, पीएम केयर जो फंड है, इसके जो न्यासी बोर्ड है, इसकी हाल ही में बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। डिस्कस करेंगे इस बोर्ड के बारे में, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना की गई थी वो मार्च 2020 में की गई थी। इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने पर लोगों को सहायता के साथ आधारभूत संरचना के विकास के लिए काम करना है, ठीक है। और प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं, ठीक है। फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों या संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई सरकारी बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में लसा बुखार के कारण 171 लोगों की मौत हो गई है? तो फ्रेंड्स, लसा जो बुखार है ये फैलता है चूहों से, और पहली बार इसे खोजा गया था, या पहली जो देखा गया था वो 1969 नाइजीरिया में ही इसे खोया गया था, ठीक है। तो हाल ही में इस वायरस के कारण, ये एक वायरस है जिसके कारण 171 लोगों की मृत्यु हो गई है नाइजीरिया में। कहां पर हो गई है फ्रेंड्स? तो नाइजीरिया में हो गई है। किससे फैलता है? तो चूहों से फैलता है, ठीक है। नाइजीरिया कहां पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, आप देख सकते हैं। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो अबूजा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर रासिड भेजेगा? तो फ्रेंड्स, चंद्रमा पर अपना पहला रोवर नवंबर के महीने में, जिसका नाम है रासिड, ये भेजा जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात इसे भेजेगा। और फ्रेंड्स, रासिद दुबई के सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर रोवर का नाम रासिद रखा गया है, ठीक है। कहां से इसकी लॉन्चिंग होगी? तो कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से इसे लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 स्पेस रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये सफल हो जाता है तो अमेरिका, रशिया और चीन की सूची में ये शामिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैप में आप सभी सऊदी अरेबिया की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा किस लॉन्चिंग व्हीकल का पहली बार परीक्षण किया गया है? तो उसके बारे में डिस्कस किया था, SSLV का, ठीक है। EOS-04 उपग्रह किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C52 द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। PSLV-C53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रह को लॉन्च किए गए हैं? तो ये सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। GSGSAT-24 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंच गुआना से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले तैराक कौन बन गए हैं? तो उत्तर चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के जो पहले तैराक बन गए हैं, वो बन गए हैं एल्विस अली हजारिका। फ्रेंड्स, नाम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एल्विस अली हजारिका बन गए हैं, और साथ ही में ये भारत के सबसे उम्रदराज तैराक भी बन गए हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटानीला चैनल को पार करने वाले असम के ये पहले व्यक्ति भी बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन है, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं? बुला चौधरी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस यानी कि राइनो डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राइनो डे मनाते हैं 22 सितंबर। कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे, 22 सितंबर को मनाया जाता है।
और राइनोडे सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गैंडों की जो 5 प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? अफ्रीका में सफेद और काले राइनो, एक सींग वाले गैंडे, एशिया में जावा और सुमात्रा गैंडे या राइनो की प्रजातियां हैं। भारत में एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो कौन सा है आपका? आप बताएंगे असम में है। कौन सा है नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है फ्रेंड्स? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला पहला नेशनल पार्क भी भारत का कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि कहां पर है? असम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत लिया है फ्रेंड्स? तो इसे बांग्लादेश ने जीत लिया है। किसे हरा कर जीता है? तो नेपाल को हरा कर यह खिताब बांग्लादेश ने जीत लिया है। आयोजन कहाँ हुआ था फाइनल मैच का? तो वो हुआ था काठमांडू के रंगाशाला स्टेडियम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रंगाशाला स्टेडियम कहाँ पर है, तो नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश की टीम को फेयर प्ले पुरस्कार भी दिया गया है। बांग्लादेश के गोलकीपर रूपना चकमा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी नामित किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में। आखिर ये प्रतियोगिता है क्या? तो वर्तमान में सैफ के सदस्य देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। फ्रेंड्स, ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। भारत ने अब तक प्रथम 5 संस्करण जीत हासिल की है, जिसमें फाइनल में नेपाल को 4 बार हराया है, जबकि बांग्लादेश को 1 बार हराया है। ठीक है, सैफ की स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने सीएम द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सीएम द हैसी जो वेब पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मणिपुर सरकार ने इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स, और यह आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति को भी देख सकता है फ्रेंड्स। सीएम द हैसी यानी कि सीएम को सूचित करे, ये इस पोर्टल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इनके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि इन्हें गजोधर के नाम से भी जाना जाता था, और इनका जो जन्म हुआ था वो कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया है? आर्टिकल 3 में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? हरित लवक। निकट दृष्टि रोग क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में बने हैं, और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। किस देश की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये स्वीडन की पीएम थी। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तेलंगाना में इसे बनाया जाएगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पचमणि को कहा जाता है। झरिया कोयला की खाने किस देश के किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो ये झारखंड में आपको देखने को मिलेंगी। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो फ्रेंड्स,
आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।